लार्जेस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। हम लोग यहाँ पर पांच लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का काम है कि कुछ महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे जिसमें आप मान सकते हैं कि करीबन शुरू टॉप 20 आपको करना है। मैं पांच बता देता हूँ, तो थोड़ा एटलस के साथ बैठ करके कौन कौन से स्टेट से गुजरता है ये आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो पहला जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH-44, पहले ये NH-7 के नाम से जो है जाना जाता था, फिर NH-7 में और भी NH मिलाकर के एक नया NH बनाया गया NH-44। ये NH-44 3745 किलोमीटर लंबा है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसकी डिस्टेंस है। ऑल्सो नोन एज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अभी हम लोगों ने इसके पहले चर्चा किया था कि नेशनल जो है हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया गया है, तो उसका ये पार्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये जो नेशनल हाईवे है इसको सात नेशनल हाईवे को मिलाकर के ये नया नेशनल हाईवे बना है। वो कौन कौन से सात नेशनल हाईवे है जिनको मिलाकर के ये वाला बना है, तो वो थे नेशनल हाईवे नंबर 1, 1A, 2, 3, 7, 26 और 75। इन सारे नेशनल हाईवे को मिलाकर के नया नेशनल हाईवे बना है NH-44। दूसरे नंबर पे है NH-22 जिसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर। ये ईस्ट में पोरबंदर से लेकर के वेस्ट में असम के सिलचर तक फैला हुआ है 3507 किलोमीटर लंबाई में। इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे नेशनल हाईवे नंबर 48, ये पुराना वाला जो था ये नेशनल हाईवे नंबर 8 कहलाता था। इसकी लंबाई है 2807 किलोमीटर और ये दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। ठीक है, अब आपको एटलस में वर्क क्या करना है कि देखना है कि NH-48 नेशनल हाईवे के मैप में देखना है दिल्ली से चेन्नई कैसे जाता है, किन किन स्टेट से होकर के गुजरते हुए जाता है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 52 2317 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक जाता है। चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे है नेशनल हाईवे नंबर 30। पुराने में इसको नेशनल हाईवे नंबर 221 कहलाता था। ये 2040 किलोमीटर की लेंथ है। सितारगंज उत्तराखंड से लेकर के इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक ये फैला हुआ है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे इंडिया के, आपको 15 और करते हैं घर में बैठ करके अलोंग विद देयर रूट। ठीक है, चलिए अब इंटरनेशनल बॉर्डर हाईवे। कुछ नेशनल हाईवे इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है और उन नेशनल हाईवे का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नहीं किया, बल्कि चूंकि वो बॉर्डर में है इसलिए उनकी स्थापना या उनका कंस्ट्रक्शन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है उसने इस रूट को बनाया है। जैसे NH-1 इंडो पाक बॉर्डर पर है, पूरा NH-1 नहीं है, NH-1 तो लंबा है, NH-1 का उतना पार्ट जो इंडो और पाकिस्तान बॉर्डर पर आता है उसको BRO ने बनाया है और बाकी जो बॉर्डर में नहीं है उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। ठीक है, NH-22 जैसे NH-22 हमने यहां पढ़ा, NH-22 3507 किलोमीटर है, पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक है। तो इस पूरे NH-22 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया, केवल उतने भाग को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया जो किसी हमारे पड़ोसी देश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो NH-22 का कुछ भाग इंडो चाइना नेपाल इंडो चाइना बॉर्डर पर स्थित है, NH-28A इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, NH-35 इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर है और NH-39 इंडो भूटान बॉर्डर पर है। तो ये थे इंटरनेशनल नेशनल हाईवेज या इंटरनेशनल बॉर्डर में आने वाले जो नेशनल हाईवेज हैं। अब हम कुछ देखते हैं फैक्ट्स अबाउट नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया, भारत के नेशनल हाईवे से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए, पहला है हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल हाईवे। भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जो नेशनल हाईवे है उसका नाम है लेह मनाली नेशनल हाईवे, जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर है और ये एक जम्मू कश्मीर में एक पास है, उमिंगला पास से होकर गुजरती है। इट इज वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड मोटरवेज। ठीक है, मोटर बाइक जो रोड होती है तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे आती है, दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई में स्थित मोटरवेज के मामले में। दूसरा फैक्ट है नेशनल हाईवेज आर शोन बाय येलो एंड व्हाइट माइलस्टोन्स। हम लोग जब जनरली सड़कों पे सफर करते हैं तो देखते हैं पत्थर चीप का टुकड़ा लगा रहता है जिसपे लिखा रहता है कि
मान लीजिए हमें भोपाल जाना है तो भोपाल इतना किलोमीटर, उस पत्थर के टुकड़े को माइलस्टोन कहा जाता है, ठीक है, मील का पत्थर। तो मील के पत्थर अलग अलग रंग के होते हैं और वो इंडिकेट करते हैं कि ये किस टाइप का रोड है। तो यदि कहीं पर आपको ऊपरी भाग येलो और निचला भाग व्हाइट, और व्हाइट वाले में लिखा होगा कितना किलोमीटर ब्लैक लेटर से, तो अगर आपको येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आप नेशनल हाईवे में हैं, ठीक है। तो नेशनल हाईवे आर शोन बाय येलो एंड व्हाइट माइलस्टोन्स। एवरी डे 30 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे आर कंस्ट्रक्टेड। इस समय लगभग 30 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, और भारत सरकार का लक्ष्य है 2025 तक इस 30 को बढ़ाकर के हम 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बनाएंगे। काठीपारा जंक्शन चेन्नई के पास है, इज द लार्जेस्ट क्लीवर लीफ फ्लाईओवर इन एशिया। ये एक फ्लाईओवर है जो किसी न किसी नेशनल हाईवे में पड़ता है, चेन्नई में है, और ये लौंग के फूल जैसा इसका संरचना है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये नेशनल हाईवे जो है का ये जो फ्लाईओवर है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फ्लाईओवर है, इस टाइप का फ्लाईओवर, ठीक है, लौंग का फूल ऐसा होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ फ्लाईओवर कहा जाता है। ये कठपुड़ा जंक्शन जो है चेन्नई में है, और ये दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा जो है क्लोवर लीफ फ्लाईओवर कहलाता है। पांचवी बात ये है, लिकर शॉप्स एंड बार्स आर नॉट अलाउड अलोंग नेशनल हाईवे इन इंडिया। ये बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। चलो एक्सप्रेस वे, अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे हम समझ लिए क्या है, कुछ फैक्ट समझ लिए, अब हम देखते हैं एक्सप्रेस वे क्या कहलाते हैं। हाई स्पीड रोड्स, ये आरओ, हाई स्पीड रोड्स विद हाईएस्ट क्लास एंड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज लाइक रैंप एंड लेन डिवाइडर्स। एक्सप्रेस वे भारत में सबसे उत्तम क्वालिटी के रोड हैं, जो बहुत ज्यादा तीव्र गति से वाहनों के संचालन के लिए बहुत उत्तम क्वालिटी के और बहुत एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस आर मच बेटर देन द नेशनल हाईवे, ठीक है। अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो स्टेट हाईवे सबसे घटिया रोड मानी जाती है, नेशनल हाईवे उनसे बेस्ट और एक्सप्रेस वे सबसे बेस्ट, ठीक है। ये जनरली 6 to 8 लेन्स की होती है, और इनको दुनिया के अलग अलग देशों में फ्रीवेज या मोटरवेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे अमेरिका में इसको फ्रीवेज कहते हैं, न्यूजीलैंड में इसको मोटरवेज कहते हैं, तो ऐसे, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट या मेंटेनेंस बाय नेशनल एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आती है। भारत का पहला एक्सप्रेस वे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाई वे के नाम से बना, जो कि दिल्ली से नोएडा के बीच में है, 9.2 किलोमीटर, और 2001 में बना। ये इंडिया का पहला एक्सप्रेस वे है, फर्स्ट नेशनल एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे एकमात्र एक्सप्रेस वे ऐसा है जिसको नेशनल दर्जा मिला है, राष्ट्रीय दर्जा जिसको मिला है वो है फर्स्ट नेशनल एक्सप्रेस वे अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे। 2004 में बना, 93 किलोमीटर लंबा है, और ये भारत का सबसे बेस्ट एक्सप्रेस वे है, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो, लखनऊ एक्सप्रेस वे 2017 में बना, 302 किलोमीटर लंबा है। भारत में आने वाले दिनों में हम और भी एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, तो जब और भी एक्सप्रेस वे बन जाएंगे तो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे हमारा होगा चेन्नई सूरत एक्सप्रेस वे 1461 किलोमीटर, और दूसरे नंबर पे होगा सबसे लंबा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे 1430 किलोमीटर। लेकिन अभी जो फंक्शनिंग में है, जो चालू है, उसके हिसाब से लॉन्गेस्ट हमारा एक्सप्रेस वे लखनऊ एक्सप्रेस वे ही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेस वे, अभी कुल भारत में 26 एक्सप्रेस वे चालू है और बनते जा रहे हैं, ठीक है, तो 26 अभी ऑपरेटिंग में है, जिनकी टोटल लेंथ 1460 किलोमीटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्टेड टू एड, भारत सरकार 2022 तक 18,637 किलोमीटर एक्सप्रेस वे जो एग्जिस्टिंग है उसमें और जोड़ने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है।
चलिए एक्सप्रेस वे से रिलेटेड और आगे फैक्ट देखते हैं। लॉन्गेस्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, एलिवेटेड माने उठा करके बनाया हुआ, जमीन से काफी उठा करके उसको बनाया हुआ है। लॉन्गेस्ट एलिवेटेड एक्सप्रेस वे चेन्नई पोर्ट मदुरा बोयल, ये एक्सप्रेस वे का नाम है जो कि 19 किलोमीटर लंबा है चेन्नई में। बिगेस्ट टोल प्लाजा, भारत का सबसे बड़ा टोल प्लाजा दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर बना हुआ है जो 32 लेन का है और ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी लार्जेस्ट टोल प्लाजा माना जाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेस वे, मोस्ट ब्यूटीफुल माने जिसके आसपास काफी ग्रीनरी हो, ठीक है, काफी सुंदरता के साथ उसको बनाया गया हो, तो ये है यमुना एक्सप्रेस वे जो कि उत्तर प्रदेश में है और 165 किलोमीटर लंबा है। अब हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। जो नेशनल हाईवे होता है वो दो तीन या चार लेन तक का होता है, जो एक्सप्रेस वे होते हैं यानी ये दो से ऊपर का होता है, कभी कभी सिंगल भी होते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस वे होते हैं वो फोर से प्लस ही होते हैं, फोर लाइन, फाइव लाइन, फोर लाइन, सिक्स लेन, एट लेन, टेन लेन, ऐसे, ठीक है। तो पहला अंतर तो ये हो गया, ये अनलिमिटेड एक्सेस, नेशनल हाईवे पे कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी ले जाकर के चला सकता है, इसमें लिमिटेड और कंट्रोल्ड एक्सेस ही लोगों को मिलता है। इसमें इंटरसेक्शन, ठीक है, मे और मे नॉट, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि एक नेशनल हाईवे है फिर एक दूसरा कोई रोड आ रहा है, चाहे वो स्टेट हाईवे हो या रूरल रोड हो या एक और दूसरा नेशनल हाईवे हो, तो एक नेशनल हाईवे से दूसरे कई प्रकार की सड़कें आकर के मिलती हैं, बात समझ आ गई आपको, ठीक है, तो उसमें इंटरसेक्शन हो जाता है। लेकिन एक्सप्रेस वे एक सीधी लाइन होती है जिसमें कहीं से भी कोई रोड वगैरह आकर के नहीं मिलता, इसलिए आंख मूंद के एक्सप्रेस वे में हाई स्पीड में आप गाड़ी चलाते रहो, आपको कोई डर नहीं है कि कोई गाड़ी बाजू वाली रोड से आकर के आपको टक्कर मार देगी, ठीक है, तो इट इज फ्री फ्रॉम इंटरसेक्शन। ये जो होते हैं नेशनल हाईवे, ये हाउएवर सुपर क्वालिटी के होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, इतने सुंदर क्वालिटी के होते हैं कि वहां पर फाइटर प्लेन की उड़ान भरी जा सकती है, ठीक है। अभी जब लखनऊ एक्सप्रेस वे बन के तैयार हुआ था तो उस समय वहां पर समाजवादी सरकार थी, तो अखिलेश कुमार जी ने वहां पर जो है हरकुलिस फाइटर प्लेन वहां पर उतराया था, और उस सड़क पर जबकि जो हेलीपैड वगैरह होते हैं वो काफी स्मूथ होते हैं, ठीक है, तो इतना सुपीरियर क्वालिटी के एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं, इक्विप्ड विद लेस एडवांस टेक्नोलॉजी। नेशनल हाईवे में सिग्नल वगैरह होते हैं, ठीक है, और भी कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग उसमें किया जाता है, लेकिन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि एक्सप्रेस वे में बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें सिग्नल विग्नल तो होते नहीं है, ठीक है, तो उसकी मॉनिटरिंग वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में किया जाता है। प्रोन टू एक्सीडेंट, नेशनल हाईवे में एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, क्योंकि सड़कों की क्या है वहां पर इंटरसेक्शन है, एक सड़क यहां से आ रही है, एक सड़क यहां से आ रही है, एक सड़क यहां से आ रही है, समझ में आ रही बात, तो वहां पर जो है खतरा है। दूसरी बात यह है कि जो नेशनल हाईवे है वो सिंगल लेन भी होते हैं, डबल लेन, ट्रिपल लेन, तो लेन की संख्या भी कम होती है, लेकिन एक्सप्रेस वे में एक तो लेन की संख्या ज्यादा होती है, दूसरी बात इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, इसलिए इसमें एक्सीडेंट की संख्या कम होती है, तो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे में, या इसी को फ्री वे भी कहते हैं, फ्री वे का मतलब समझ गए, देयर आर नो सिग्नल, चले जाओ सीधे, ठीक है, तो इसलिए इसको फ्री वे भी कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी हमने कंप्लीट कर ली। अब हमारा जो सड़कों में अगले नंबर का जो सड़क आता है, हमने नेशनल हाईवे कर लिया, एक्सप्रेस वे कर लिया, हम देखते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो है रोड्स दैट लिंक्स इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स एंड स्टेट कैपिटल्स विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट, यानी किसी राज्य के जिले के जो मुख्यालय है, माने जो जिला है, उससे राज्य के अन्य महत्वपूर्ण सेंटर जो इंडस्ट्री के होते हैं, ट्रेड के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, या स्टेट कैपिटल है, उनसे जोड़ने वाले इंपॉर्टेंट हाईवेज स्टेट हाईवेज कहलाते हैं। स्टेट हाईवेज का निर्माण भारत में राज्यों की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी ये सड़कों को बनाने की फाइनेंशियल
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट हाईवेज फ्रॉम सीआरएफ। सीआरएफ का मतलब सेंट्रल रोड फंड। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे कि भारत सरकार ने एक फंड बनाया जिसका नाम है सेंट्रल रोड फंड। सेंट्रल रोड फंड में पैसा कहां से आता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सेस लगाने से जो पैसा आता है उसको इस फंड में रखा जाता है। इसी फंड से पैसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नेशनल हाईवे बनाने के लिए दिया जाता है, और साथ ही कुछ स्टेट्स को जिनकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर होती है उनको स्टेट हाईवे बनाने के लिए केंद्र सरकार इसी फंड से पैसा देती है जो ग्रांट के रूप में होती है, अनुदान के रूप में होती है। बात समझ आ गई? चलिए अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज है वो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। भारत में जितना भी स्टेट हाईवे उसका लगभग 22.5% महाराष्ट्र में है। इट इज सेकेंड नंबर पे कर्नाटक 11% और तीसरे नंबर पे गुजरात 10%। ठीक है, इसी के साथ अब आगे जगह नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे कम लेंथ स्टेट हाईवे की, उसके मैं तीन स्टेट्स बता देता हूँ। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे है सिक्किम। ठीक है, तो टॉप थ्री स्टेट्स एंड बॉटम थ्री स्टेट्स, तीनों के नाम हमने जान लिया। इसी के साथ स्टेट हाईवेज का यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगले में हम लोग देखेंगे कि और भी टाइप के जो रोड्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, अर्बन रोड्स हैं, है ना, रूरल रोड्स हैं, ये सब क्या है। थैंक यू।